अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने विजन आईएएस का नाम जरूर सुना होगा, चाहे किसी टॉपर को सजेस्ट करते हुए या फिर एस्पिरेंट के बीच में। बट क्यों, क्या वजह है, ये हमेशा अपने स्टडी मटेरियल को लेके चर्चा में रहते हैं, चाहे इनकी मंथली मैगजीन हो, इनके नोट्स हो या फिर टेस्ट सीरीज हो। अगर आप 2024, 25 और 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इसमें मैं इनके स्टडी मटेरियल, जो इनके नोट्स हैं, इनकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये अपडेटेड नोट्स हैं, ये आप अपने स्किल के अनुसार डिसाइड करना कि ये आपके लिए कितने मायने रखते हैं, किस लेवल के, आप वास्तव में ये लोकप्रिय होने के साथ साथ ये काम के हैं या नहीं है। इसमें मैंने टेस्ट सीरीज भी मंगवाई हुई है, इसके अनबॉक्सिंग करूँगा, बट इसको बाद में करूँगा। फिलहाल मैं कवर करूँगा इनके नोट्स को, इनके नोट्स की माइक्रो डिटेलिंग करेंगे कि ये अपने नोट्स पे किस लेवल का काम करते हैं। तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं, इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जीएस स्कोर की तरफ से ये बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया है सिलेबस को लेके, बहुत ही माइक्रो लेवल पे इन्होंने डिजाइन किया हुआ है कि प्राचीन इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, बहुत ही माइक्रो डिटेलिंग की है सिलेबस की। जैसे आपका विश्व इतिहास में पुनर्जागरण कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हो आराम से, जैसे आपका विज्ञान हो गया टिक लगा सकते हो, सुधार से रिलेटेड हो गया तो टिक लगा सकते हो, इंग्लैंड की क्रांति हो गई तो टिक लगा सकते हो। इसमें आप एक एक अपने चैप्टर खत्म करते हुए टिक लगाते जा सकते हो, इससे आपको मोटिवेशन मिलता है अगले कवर करने के लिए। 73 पेज है, 73 पेज में इन्होंने सिलेबस को सिर्फ डिफाइन किया है कि आपका सिलेबस क्या है और आपको कैसे कवर करना है। भूगोल को विजन आईएएस के नोट्स में 5 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। तो जैसे भाग 1 में इन्होंने 7 टॉपिक को कवर किया है, इन 7 टॉपिक के अंदर जो सब टाइटल्स हैं उनकी ये विषय सूची है, आप इनके कंटेंट को देख सकते हो। आप देखो इसमें डायग्राम प्रॉपर इमेज के साथ इन्होंने समझाया हुआ है, आप इनके कंटेंट भी देख सकते हैं। और इनमें जो कुछ करेंट ओरिएंटेड होते हैं तो ये एड ऑन कर देते हैं हर साल। इसी प्रकार भाग 2 में इनके इतने चैप्टर को कवर किया गया है, उसी तरह की इसमें 5 भाग हैं, 5ों में अलग अलग सेक्शन, अलग अलग टॉपिक कवर किए गए। ये पेपर 1 में भारतीय समाज आता है, तो भारतीय समाज का भी आपका 3 भाग इन्होंने बनाया हुआ विजन है, जिसमें पहले भाग में आपका 5 टॉपिक, दूसरे भाग में भी अगेन 4 टॉपिक है, ताकि आपको बर्डन ना हो, एक एक करके आप पढ़ते चले जाओ। आप इनकी क्वालिटी देख सकते हो, फॉन्ट वगैरह कैसे यूज किया है आप देख सकते हो। तो ये 3 पार्ट में आता है भारतीय समाज, कला और संस्कृति, ये इनके 2 भाग में आती है कला संस्कृति। कला संस्कृति का खोल के देखते हैं कैसा है, ऐसे थीम तो अच्छा है, इमेज अच्छा दिखा रहा है। इसमें काफ़ी इन्होंने पिक्चर्स यूज किए हुए हैं, समझने में आसान हो आपको। विश्व इतिहास का 2 भाग है, आधुनिक भारत का इन्होंने 2 पार्ट किया हुआ है, 2 भाग में आधुनिक भारत कवर किया है इसका। आप देख लो पहले भाग में 18वीं सदी का भारत और भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव एवं विकास, ये पहले भाग में, और दूसरे भाग में आपका गांधी युग की शुरुआत होती है और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का योगदान। एक अलग से इनके नोट्स हैं जो कि आज़ादी के बाद का भारत के, इसका आपको डिटेल दिखाता हूँ। पहले आज़ादी के बाद का भारत, आप देख लो इनके 9 चैप्टर हैं, इसको इसमें कवर किया हुआ है। इथिक्स का इसमें 4 पार्ट है, एक्चुअली इथिक्स का ये 3 पार्ट है जो कि थ्योरेटिकल वाला आता है, और एक केस स्टडी जो आती है पार्ट 3 में, ये केस स्टडी इसमें 80 केस स्टडी है, जो कि प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी इसमें लिखा गया है। अब देखो केस स्टडी भी आती है, 12 चैप्टर्स हैं इसमें। आप इनके कंटेंट देखो पहले, जैसे ये आपको एक केस दे दिया गया, इनका दृष्टिकोण और इनके उत्तर, आपको इसमें 80 केस स्टडी हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाए। इसके लिए सिर्फ केस स्टडी का एक ही है नोट्स, और जो थ्योरेटिकल वाले पार्ट हैं
इसमें ये तीन देते हैं, तीन भाग में देते हैं। थ्योरेटिकल का भी आपको दिखा देता हूँ। पर्यावरण, पर्यावरण का तीन पार्ट है, ये थोड़ा सा हैवी लगा मुझे बट तीन पार्ट है। इसके अंदर का देखते हैं। अब विषय सूची देखो पहले आप, पहले पार्ट में इनके पेज क्वालिटी ठीक लगा, अच्छा है, रीडेबल है, पढ़ सकते हो आराम से। अपनी सबसे पसंदीदा नोट्स पॉलिटी, पॉलिटी के इसमें पांच पार्ट हैं, सेम वैसा ही पार्ट वाइज ये डिवाइड किया हुआ है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी पांच पार्ट में है, पार्ट वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ। निबंध की एक है, एक नोट्स है निबंध में। आपको क्लासरूम का आप निबंध का पहले देख लो, निबंध में निबंध के चैप्टर देख लो आप, इसमें क्या क्या कवर किया गया है, कंटेंट देखते हैं निबंध का। सिक्योरिटी दो पार्ट में इन्होंने कवर किया हुआ है, पहले पार्ट में इन चैप्टर को कवर किया है और सेकेंड पार्ट में इन चैप्टर को। आईआर, आईआर का तीन पार्ट बनाया है, आईआर का भी सेम फॉर्मेट में वही है। और उसके बाद साइंस टेक है, साइंस टेक आपको देखते हैं इसमें ग्राफिक्स बनाया है कि नहीं बनाया है। साइंस टेक का आपको पहले देख लो, ये एक पार्ट में ही है, इतने सारे चैप्टर हैं इसमें कवर हुए, तो इसमें कुछ डिजाइन वगैरह है कि नहीं है, ज़्यादा नहीं है बट वही थ्योरेटिकल वाली चीज़ें हैं। ये एक गवर्नेंस का है और एक ये सामाजिक न्याय का है, सोशल जस्टिस का एक है। तो ये एक एक पार्ट में गवर्नेंस में क्या है आप देख लो, गवर्नेंस में क्या पढ़ना है इन चार। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मैंने माइक्रो डिटेलिंग पे बात की और साथ ही मैंने जितना भी पॉसिबल हुआ वो सारे फैक्टर्स आपको दिखाए बताए। कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और साथ ही अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी जरूर कमेंट करें। जहां रहे सुरक्षित रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।